अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैन अली टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये प्रोजेक्टर है, ठीक है। इसके अंदर चार बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, ये चार हैं। ये मुख्तलिफ कलर के, जो ये ख़ास तौर पे अमूमन ज़्यादातर होते हैं ये होटलों वगैरह में, या ज़्यादा फंक्शन वगैरह जहाँ पर बड़े बड़े फंक्शन होते हैं वहाँ पर लगे होते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ कलर देते हैं, ठीक है। ये इसमें चार हैं और कुछ ये पड़े हुए हैं दो मेरे पास, लेकिन ये सिंगल बल्ब है इसके अंदर, लेकिन ये भी मुख्तलिफ कलर दे रहे हैं, ठीक है। तो इनमें फॉल्ट क्या है कि इसमें ये तीनों के तीनों डेड हैं, यानी कि इनमें पावर नहीं आ रही, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 220 है, ठीक है। इसको मैं, ये बैक साइड में इसकी घड़ी भी लगी हुई है, यहाँ पे आप इसका मेन्यू है, अप डाउन कर सकते हैं, इंटर वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें तो चलो इसको ओपन कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या फॉल्ट है इसमें। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसकी पावर सप्लाई बोर्ड है इसका, ठीक है, ये इसका पावर सप्लाई है, ये इसका मदर बोर्ड जैसा। इसकी टाइमिंग वगैरह इसकी कंप्यूटर वगैरह पे सेट किया जाता है, फिर इस जाके ये रेडी होती है, ठीक है। तो बहरहाल सबसे पहले हम इसकी पावर को ओपन करते हैं, पावर सप्लाई को, तो देखते हैं कहाँ इसकी पावर सप्लाई में क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से हमारा जो प्रोजेक्टर है वो ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलो इसको ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसको। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पावर सप्लाई को ओपन कर लिया इसको, तो ये इसकी पावर सप्लाई बोर्ड, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले भी रिपेयर हो चुकी है, ये पहले आप देख सकते हैं रिपेयर शुदा है, ठीक है, पहले भी काफ़ी काम हो चुका है इसके ऊपर। तो बहरहाल चलो, एक इसका सप्लाई का ट्रांजिस्टर है, ये चेक करते हैं। ये डायोड लगा हुआ है, ये डबल डायोड ट्रांजिस्टर हैं, दो तीन, दो इस तरफ हैं और एक ये है, ठीक है, एक ये लगा हुआ है, ठीक है। ये डबल डायोड ट्रांजिस्टर हैं, तो इनको चेक करते हैं। ये मेन सप्लाई का ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये डबल डायोड जो है ये खराब है, ठीक है, या बजर सुन सकते हैं। ये दो ट्रांजिस्टर डबल डायोड ये दोनों ख़राब हैं, इसके अलावा अगर इसको चेक करें तो ये ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसके ये ट्रांजिस्टर हैं दो, आप देख सकते हैं ये डबल डायोड होते हैं, तो चलो इनको रिमूव कर लेते हैं, इसकी जगह पे दूसरे नए ऐड करते हैं, ठीक है जी, इनको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये डबल प्रिंट होती है, ये बोर्ड डबल प्रिंट है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। एक तो जी ये दोनों मैंने रिमूव कर ली, अब इनको ओपन किया, अब इनको चेक कर लेते हैं दोबारा से, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है जब बोर्ड के अंदर होते हैं तो फिर वो ख़राब शो करते हैं, जब इनको रिमूव कर लिया जाए तो सम टाइम ऐसा भी होता है कुछ ठीक भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये ठीक, अब ये खराब है, ठीक है।
ये ठीक शो कर रहा है एक। ये इसका ठीक एक ठीक है, बहरहाल एक जो है वो ख़राब निकला है। ठीक है, तो अब हम ऐड करते हैं दूसरा नया। ठीक है, ये मैंने लगा दी। अब हम इनको पावर को दोबारा से फिट करते हैं, कनेक्शन देते हैं, फिर इसको चेक करते हैं कि ठीक है। तो जी मैंने दोबारा से पावर सप्लाई को ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम इसको पावर देते हैं, पावर दे के चेक कर लेते हैं इसको। ये हमारा प्रोजेक्टर जो है वो ऑन हो चुका है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं इनको। ओके, पावर सप्लाई हमारी ओके हो चुकी है। ठीक है, अब प्रोजेक्टर हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। अब यहाँ पे इसकी टाइमिंग वगैरह सेट करेंगे इसको अप डाउन करने के लिए। यहाँ पे अप डाउन की करने के कारण मेन्यू है इसका, मेन्यू भी ये इसका मेन्यू है। ठीक है, तो ये अप डाउन है, जितनी पावर आप इसकी सिलेक्ट करनी चाहिए आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये डाउन है, ये इंटर है। ठीक है, तो जी आप देख सकते हैं ऑन हो चुकी है बिल्कुल। ठीक है, तो ये इनकी टाइमिंग है अभी। तो इसको सेट किया जाता है, इसमें तीन कलर हैं, नहीं सॉरी दो कलर हैं, ब्लू है और इस तरह वाइट कलर है। ठीक है।